हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू. आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास. हैप्पी शरद पूर्णिमा. आज पूर्णिमा है और आज पूर्णिमा के दिन पर मैंने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है कि मैं अपने देश के रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को टॉप 6 हम्बल सजेशंस देने जा रहा हूँ. जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, टॉप 6 6 हम्बल सजेशन विनम्र निवेदन उनसे करने जा रहा हूँ. मुझे ऐसा फील होता है 25 सालों के बाद जॉब करते हुए, आज 25 साल हो गया पढ़ाते हुए, नौकरी करते हुए 25 सालों से आज मैं ये काम कर रहा हूँ. 96 ऑनवर्ड मैंने शुरू किया था. आज 25 सालों के रिसर्च के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे अपने ऑनरेबल एंड रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को 6 सजेशन देना चाहिए कि इस देश को और स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे बनाया जाए इंडिया को, भारत को एक स्ट्रॉन्ग नेशन कैसे बनाया जाए. हमारे देश में तो भारत और इंडिया के बीच में भी डिफरेंस किया गया है, अंतर किया गया कि भारत मतलब सिर्फ विलेज और इंडिया मतलब सिर्फ शहर. ये बात कहाँ तक सही है ये सब हम अगली वीडियो में बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को 6 सजेशंस 6 वीडियो के माध्यम से 6 वीडियोज में बनाऊंगा. आज मैं सजेशन 1 ले रहा हूँ. पहला सजेशंस मैं अपने रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देने जा रहा हूँ, श्री मोदी जी को देने जा रहा हूँ. मेरा मानना है कि वो इस देश के सम्राट हैं, एम्पायर हैं, है ना. पुराने ज़माने में फिल्मों में वजीर आजम जिनको कहा जाता था. और मेरा अपना विश्वास है कि जो 7 ईयर्स में 2014 ऑनवर्ड जब वो प्राइम मिनिस्टर बने इस देश के, उसके बाद उनको मैंने जो पहचाना है, उनका एनालिसिस किया है, उनके ऊपर खुद मैंने किया है. मैं सुनता सबकी हूँ, करता अपने मन से हूँ. मैं किसी ब्लाइंड फॉलो में किसी को नहीं करता. मैं किसी का भी ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनता. मैंने उनको पाया है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन वाले हैं. कैरेक्टर मतलब चरित्र प्रमाण पत्र जैसे होता है, चरित्र कैरेक्टर मतलब चरित्र कहते हैं ना, चरित्र का प्रमाण पत्र मिलता है स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, लेकिन इंटेंशन का, नीयत का, आपको किसी भी कीमत पे कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपको प्रमाण पत्र नहीं दे सकता. तो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि उनका चरित्र और उनका इंटेंशन, नीयत दोनों ही साफ है, एकदम क्लियर है कि उनको अपने जीवन में क्या करना है, वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. इसलिए मैं उनको ये सजेशन देने जा रहा हूँ कि टॉप 6 सजेशंस 6 वीडियोज में बनाऊंगा 1 by 1 एवरी ऑल्टरनेट डे. हमारे देश की जनता के लिए अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, जहाँ पे कि ऑलरेडी मेरा चैनल चल रहा है अपेक्षा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से. उसमें ऑलरेडी 70 से ऊपर वीडियोज है मेरा, जो कि मैं चूंकि एज ए ट्रेनर, टीचर, करियर एडवाइजर, कंसल्टेंट, मैंने 25 साल जो भी काम किया है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो वहाँ बना कर रखा है. सबसे पहला रिक्वेस्ट देश की जनता से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सजेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सो दैट कि आने वाले सारे 6 वीडियोज आपको मिलेंगे सजेशंस के रूप में. और ऑलरेडी जो वीडियो हमारा यूट्यूब पे वहाँ है उसको भी देखने का मौका मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप सच में ओपन माइंड से सीखने की कोशिश करते हैं कि आपको सीखना है जीवन में. चलिए हम शुरुआत करते हैं. इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. अब 1 by 1 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट को मैं आज समझाऊंगा हमारे देश की जनता को. अगर आपको लॉजिक समझ में आए तो आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना. अब वीडियो सब्सक्राइब करना इसलिए भी चाहिए सारे अच्छे लोगों का, जहां भी आप वीडियो देखते हो, कि कल आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब आप इस स्थिति में होगे कि आप भी वीडियो बना रहे हो और आप चाहते हो कि आपका वीडियो जल्द से जल्द वायरल हो, जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे, तो मान लीजिए कि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, आपने एक अच्छा वीडियो बनाया और आपने रिक्वेस्ट किया मुझसे कि सर मैं आपको मैंने सब्सक्राइब कर रखा, मैं आपका सब वीडियो वॉच करता हूँ, आप देख सकते हैं, तो हो सकता है कि अगर आपका वीडियो मुझे पसंद आया तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ अपने वीडियो चैनल पे कि इनका वीडियो बहुत अच्छा बना है, आप लोग उसको जरूर देखें, सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है. ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं कि पहला सजेशन मैं अपने देश के रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी को क्या देने जा रहा हूँ. पहला सजेशन है, एजुकेशन सिस्टम को परफेक्ट करना होगा. हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट नहीं है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, मुझे पूरा विश्वास है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि ये आपका दिया हुआ एजुकेशन पॉलिसी नहीं है. आपके पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो भी लोगों ने आपको, जब भी सलाहकार हैं आपके, उन्होंने आपको गलत सजेशन दिया है. ये एजुकेशन पॉलिसी एकदम फॉल्टी है, बिल्कुल बेकार है. इससे देश का बच्चा और कमजोर बनेगा, क्योंकि आपने मैट्रिक क्वेश्चन एग्जाम को हटा दिया है. 10th जिसका कि डर था बच्चों का कि हमको मैट्रिक पास करना है,
उसके लिए पढ़ाई करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। पहला ही हडल आपने हटा दिया, जब पहला ही हडल हटा दिया तो बच्चों को क्या लगेगा, किसी तरह से खाली निकालना है, पास करना है बस और आगे बढ़ते जाना है, इसी तरह से ऑटोमेटिक पास होता चला जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे और कमजोर बनते जाएंगे। तो पहला सजेशन ये है कि परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए आज तक आपको किसी ने ये बात नहीं कही होगी कि हिंदुस्तान का जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है, जितना भी सरकारी स्कूल है 29 स्टेट्स में, 29 राज्य में, सबको इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं खुद इंग्लिश मीडियम सीबीएसई मीडियम स्कूल चला रहा हूँ, दो, उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि सभी सरकारी स्कूल को आप, सारे गवर्नमेंट स्कूल को 29 स्टेट्स में, पूरे देश के स्कूल को, सरकारी स्कूल को आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दीजिए सर, जिससे कि कंपटीशन बढ़ेगा, कि जो क्वालिटी देगा वही मार्केट में टिकेगा। आप खुद देख रहे हैं, लाखों किराना शॉप है, लाखों शॉपिंग मॉल है, लाखों चीजें हैं दुनिया में जहां कंपटीशन है, लाखों कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहा है, लाखों सामान बिक रहा है, तो जो क्वालिटी बेच रहा है उसका चल रहा है। तो इंग्लिश प्राइवेट वालों में और गवर्नमेंट स्कूल में, जब वो भी इंग्लिश मीडियम हो जाएगा तो उसमें जो भी अच्छा क्वालिटी देगा वही चलेगा, और सरकार को चलना ही चलना है, क्योंकि सरकार तो फ्री एजुकेशन देती है। तो प्राइवेट वालों को अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अभी मशरूम्स की तरह प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, अनाप शनाप पैसा लिया जा रहा है, एजुकेशन शिक्षा एक धंधा बन के रह गया, सिर्फ 5% बच्चों को एक अच्छा करियर मिलता है, करियर मतलब फ्यूचर, एक अच्छा करियर, आजीविका हिंदी में बोलते हैं, सिर्फ 5% बच्चों का। आप गूगल सर्च, विकिपीडिया, सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं रिसर्च किया मैंने 25 साल में, मैं बच्चों को इतना पढ़ा रहा हूँ, लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ अपने देश में, इसलिए मैं जानता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है, 50-75 सालों से एकदम बेकार एजुकेशन सिस्टम है। MBA में पढ़ने वाले बच्चों को प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, उनको पर्सनल पर्सनल के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, ये इसलिए होता है। मैट्रिक कैसे पास किया उन्होंने, मैट्रिक पहला हर्डल है वही आपने हटा दिया, मैंने आपके सलाहकारों ने आपको ऐसा सलाह दिया कि आपने उसको हटा दिया। MPhil हटाया, कोई बात नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, BE, BTech, MBA के बाद MPhil की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप PhD कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिकुलेशन पास करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे सबसे पहला सजेशन जो है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल को, सारे सरकारी स्कूल को 29 स्टेट्स में, सबको इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दीजिए, देखिए आपका एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा होगा। आज जो आपकी IAS लॉबी, IAS एंड IPS, IRS, IFS का बच्चा लोग नहीं पढ़ना चाहता है किसी भी सरकारी स्कूल में, वो खुद पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है, जो टीचर है किसी टीचर को निकालने की जरूरत नहीं, उसी टीचर को 3 साल का मौका दीजिए अपने आप को अपग्रेड अपडेट होने के लिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर उनको सब कुछ सिखाइए। निकालना बहुत आसान है लेकिन उनको ट्रेंड करना है, ट्रेंड करने के बाद उनको एक मौका देना है कि पढ़ाओ आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जो पढ़ा पाएगा वो रहेगा, जो नहीं पढ़ा पाएगा एकदम बाहर हो जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरी सिंपल, जो फिट रहेगा, मोस्ट सुटेबल रहेगा वो पढ़ाएगा। फिर प्राइवेट स्कूल वालों को पता रहेगा कि अब कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि सरकार तो सब फ्री में देगी, तो नेचुरली सारे बच्चे वहां जाने की कोशिश करेंगे, फिर हम ऐसा क्या दें जो कि बच्चे हमारे पास रुकेंगे, तो नेचुरली क्वालिटी जब बढ़ेगा, तो क्वालिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, सीरियस बात है। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑटोमेटिक बना रहेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से क्वालिटी एकदम मेंटेन रहता है, वो घटता नहीं है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको कहा, रिक्वेस्ट किया, उस पर आप करिए सर, क्योंकि आप सब जानते हैं पहला पॉइंट इसके अंदर, शिक्षा से लिटरेसी, साक्षरता बढ़ता है, और जैसे ही लोग साक्षर होंगे, अगर परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम होगा, सारा ही इंग्लिश मीडियम स्कूल हो जाएगा, तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार सर्विस सेक्टर और बिजनेस सेक्टर दो ही होता है, सर्विस सेक्टर में दो चीजें होती है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, दोनों के लिए जवाबदेही, जिम्मेदारी बढ़ेगी कैंडिडेट्स की, और उसके बाद बिजनेस में लोग और भी ज्यादा जाएंगे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे तो खुद एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, खुद का अपना बिजनेस खोलने के लिए उनके पास दिमाग भी रहेगा, सरकार की तरफ से उनको लोन भी मिलेगा, तो फूड, क्लोथ, शेल्टर का प्रॉब्लम आपके लिए ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सिर्फ एक परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम से, जहां के आपको गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर देना है। दूसरा पॉइंट, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल पुअर, चाहे जनरल कैटेगरी के हों, चाहे SC ST OBC, किसी भी बिना कास्ट, क्रीड, रिलीजन देखे, जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो भी फाइनेंशियली कमजोर है,
जो भी गरीब लोग हैं उन सबको पीएचडी तक फ्री शिक्षा दीजिए बिना एक पैसा लिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल आप खोलेंगे ना, एक्चुअल सरकारी स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल हो जाए तो खुल के गरीब बच्चे जो है बकरी चराने जाते हैं, भैंस चराने जाते हैं, काम में लग जाते हैं, दूसरों के घर में बर्तन मांज रहे हैं, ये सब क्या है? बहुत गरीबी है सर, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि आपका करेक्टर और इंटेंशन दोनों सही है। आज 7 सालों में जो आपने कर दिखाया है, लोग 75 साल में भी नहीं कर पाए हैं। तो ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरी बात को कुछ चीज़ अब छूट गया है, आपके सलाहकार लोग नहीं दे पाए हैं, मुझे पता नहीं वो कैसे सलाहकार हैं जिनको समझ में ये सब नहीं आ रहा है या जानबूझ के किया जा रहा है, लेकिन आपके लिए मैं इतना बोलूँगा कि फ्री एजुकेशन अप टू पीएचडी एकदम फ्री एजुकेशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग हमारे देश का, एक्चुअली सारे सरकारी डिपार्टमेंट जो भी पब्लिक डीलिंग से है सारे ही करप्ट डिपार्टमेंट है आपके, बेईमान डिपार्टमेंट। 99% लोग हमारे देश के बेईमान हैं, उनके खून में बेईमानी है, बेईमानी का कैंसर दौड़ रहा है उनके शरीर में, उनके बेईमानी को आप किसी कीमत पर ख़त्म नहीं कर सकते। उसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सारे बॉटम टू टॉप जितने भी लोग उसमें काम करते हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं और जो भी पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है, जो उसमें भी पब्लिक की डीलिंग होती है, उन सब के चपरासी से लेके सारे टॉप ऑफिसर तक को हर साल उनकी ट्रांसफर करिए, बदली कर दीजिए और उनसे 4 शिफ्ट में काम कराइए। मॉर्निंग शिफ्ट 6 बजे सुबह शुरू होता है, 6 AM to 2:30, फिर 8 AM to 5 PM, फिर 2:30 to 11 PM और फिर 11 PM से सुबह 6 बजे तक का, ये 4 शिफ्ट में काम कराइए। बॉटम से टॉप सारे लोगों को, संतरी से लेकर मंत्री तक जितने भी हैं सबका हर साल ट्रांसफर करिए, देखिए करप्शन आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। करप्शन कब शुरू होता है? जब आप जम कर कहीं बैठ गए, लोगों से सांठगांठ वहाँ शुरू हो जाते हैं। नेक्सस बिटवीन, इसको नेक्सस वर्ड एक्चुअली नेगेटिव वर्ड में यूज़ होता है, नेगेटिव वे में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ नेक्सस जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है। कमीशनखोर एजेंट, शिक्षा विभाग हमारे देश का सबसे करप्ट विभाग है, ये आप जान लीजिए, ठीक है? तो इसको टॉप टू बॉटम को चेंज करिए। ऑल स्कूल प्रिंसिपल, 99% स्कूल प्रिंसिपल आपका बेईमान है। सर आपको पता नहीं है कि आप जो मिड डे मील चला रहे हैं योजना पूरे देश में, जिस जिस राज्य में चल रहा है, हर दिन एक प्रिंसिपल 1500 रुपये बनाता है उस मिड डे मील से। आप पता लगवाइए, जांच करवाइए, देखिए आपको पता चल जाएगा, और ये पैसा बढ़ता है टॉप से लेके बॉटम तक। मैं कहता हूँ खुल के खाओ, ठीक है आप चोरी करो, डकैती करो, सब करो, लेकिन बच्चों तक कुछ तो पहुँचने दो। हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपया में सिर्फ 15 रुपया पहुँचता है, 85 रुपया कहाँ गायब हो जाता है, कहीं पता नहीं चलता। मैं बोलता हूँ कम से कम वो 15 रुपया भी तो पहुँचने दो, 15 रुपया भी लोग नहीं पहुँचने देते हैं। 1500 रुपया पर डे मिड डे मील से प्रिंसिपल बनाता है, उन प्रिंसिपलों का भी बदली ट्रांसफर एवरी ईयर होना चाहिए। उनको किसी भी स्कूल में 1 साल से ज़्यादा टिकने मत दीजिए। ये रूल बनाइए सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का, इसको ऑसम रॉकिंग फैबुलस फैंटास्टिक बनाने का, सिंपल है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आप कैसे कन्वर्ट करेंगे हमारे देश में? सबसे पहले हर राज्य का जो भी मदर टंग है उस मदर टंग को आप इंट्रोड्यूस करिए शिक्षा में, जैसा कि आपने किया है इस बार, वो सबसे अच्छी बात है। कि जो राज्य का जो अपना मदर टंग है उसमें शिक्षा देना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज, 75 साल हो गया सर अभी तक हमारे देश का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है हम सब लोगों के लिए। आज तक हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। कोई भी नेशनल लैंग्वेज तब बनता है जब मेजॉरिटी लिखना पढ़ने बोलने वाले लोग उस भाषा को बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वालों की भाषा, लिखने पढ़ने वालों की संख्या इस देश में 60% है, इंग्लिश सेकंड लार्जेस्ट है। तो नेचुरली इंग्लिश किसी कीमत पर नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की मातृभाषा है, तो हमारी मातृभाषा सिर्फ हिंदी हो सकती है। तो हिंदी को मातृभाषा बनाइए, मदर टंग को सबको बोलिए अपने मदर टंग से प्यार करें, क्योंकि जो अपनी मातृभाषा से प्यार करेगा वही दूसरों की मातृभाषा से प्यार करेगा, फिर वो हमारे नेशनल लैंग्वेज से प्यार करेगा, फिर वो हमारे इंटरनेशनल लैंग्वेज से प्यार करेगा जो कि इंग्लिश है, तब जाके इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब ये तीनों ही भाषा नर्सरी से लेके पीएचडी तक एकदम कंपलसरी करिए। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे अगर जनरल कोर्सेज में है तो पीएचडी तक कंपलसरी करिए। ये तीनों भाषा आपको नर्सरी से पढ़नी है, और उसके बाद या आप चाह आप कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आपका ऑप्शन है, आप पढ़ना चाहें नहीं पढ़ना चाहें अप टू यू, या 12th तक कम से कम, 12th
ट्वेल्थ तक तो एकदम कंपलसरी कर, नर्सरी टू ट्वेल्थ, उसके बाद ऑप्शनल बना दीजिए कि बीए बीएससी बीकॉम बीए पार्ट वन से आपके लिए ऑप्शनल है, जो भाषा पढ़ना है पढ़ो, उसका फ्रेंच सीखना है, उर्दू सीखना है, अगर और कोई भाषा सीखना है खूब सीखो, संस्कृत सीखना है, जितना सीखना है सीखो। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तब शुरू होगा जब आप दूसरों की मदर टंग को वैल्यू देंगे, तब वो आपकी मदर टंग को वैल्यू देगा, फिर वो नेशनल लैंग्वेज को वैल्यू देगा, तब वो इंटरनेशनल लैंग्वेज को वैल्यू देगा। दूसरा, वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये होता है कि कॉमन हॉलीडेज फॉर ऑल स्टेट्स। क्या हमारे देश में कॉमन हॉलीडे नहीं हो सकता है? हर स्टेट का अपना अपना हॉलीडे है, फिर उसका रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, फिर गजेटेड हॉलीडे है, मतलब सेंट्रल का हॉलीडे अलग है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे अलग है ना, फिर लोकल हॉलीडे अलग है। छठ पूजा जैसे बिहार में होता है, छठ पूजा का छुट्टी से बिहार में होता है, दिवाली से पहले वो एक दिन पहले धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है, लंबी छुट्टी होती है, 10 दिन की छुट्टी होती है। ऐसा क्यों, और सब स्टेट में क्यों नहीं होता है? और सब स्टेट का छुट्टी हमारे स्टेट में क्यों नहीं होता है, बंगाल में क्यों नहीं होता है, या बिहार में क्यों नहीं होता है, या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता है, या फिर तेलंगाना में क्यों नहीं होता है, तमिलनाडु, हर स्टेट का, जब तक उनके स्टेट के पूजा को आप रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक उनके मन में भी हमारे स्टेट की पूजा के प्रति रेस्पेक्ट नहीं आएगा। ये गिव एंड टेक होता है, तो हर स्टेट का हर पूजा को हमें रेस्पेक्ट देना होगा। उनके यहाँ छुट्टी तो हमारे यहाँ भी छुट्टी होना चाहिए, और नहीं तो कहीं छुट्टी मत दीजिए, एकदम कॉमन छुट्टी कर दीजिए, कॉमन हॉलीडे कहीं पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 15 छुट्टी होगा। आज कैसी स्थिति है, आज मैं स्कूल चलाता हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है 4 महीना छुट्टियां होती है एक साल में, 4 महीने, क्योंकि जब स्कूल बस नहीं चलता तभी पता चलता है कि हमारी छुट्टी कितनी हो रही है। उसके बाद अपना स्कूल का हॉलीडेज है, एनुअल फंक्शन है, कभी कुछ बर्थडे फंक्शन आ गया, कभी कुछ क्या होता है टीचर्स डे आ गया, ये सब अपना फंक्शन भी होता है। 4 महीना आपका छुट्टी है, 8 महीना सिर्फ स्कूल चल रहा है आपका, मतलब सिर्फ 240 दिन हम स्कूल चलाते हैं, हम गर्मी छुट्टी से पहले 120 दिन, गर्मी छुट्टी के बाद 120 दिन, वो भी नहीं मिलता है हमें, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर परीक्षा आ जाता है, 4 4 टर्म्स एग्जाम होता है, उसमें आप पढ़ा नहीं सकते आप। कुल मिला के सिर्फ आपको 6 मंथ मिलते हैं पढ़ाने के लिए, मैंने 180 डेज, 180 डेज में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, सोचिए आप कैसे करेंगे। तो वैल्यू एजुकेशन वहां से शुरू होता है जब आप दूसरों को वैल्यू देना शुरू करेंगे, दूसरे राज्य के लोगों को वैल्यू देना शुरू करेंगे, उनके मदर टंग को वैल्यू देना शुरू करेंगे, उनके छुट्टियों को वैल्यू देना शुरू करेंगे, और ये हर राज्य में होना चाहिए, और ये सिर्फ आप कर सकते हैं, आप सम्राट हैं इस देश के, आप ये लागू करेंगे, नहीं तो किसी की छुट्टी मत दीजिए, किसी स्टेट में कोई छुट्टी नहीं, सिर्फ 5 छुट्टी होगी, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करिए 10-15 छुट्टियों को, बस वही छुट्टी मिलेगी और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम सिर्फ छुट्टियों की वजह से आज सिर्फ ऐसी स्थिति हो गई है कि बच्चों का आधा सिलेबस ही कंप्लीट होता है, बाय हुक और क्रूक टीचर और फैकल्टी ट्रेनर सिलेबस को कंप्लीट करते, जिसकी वजह से बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, और पूरा सिर्फ 5% करियर ही एक अच्छा भविष्य बच्चों को मिलता है, 95% बच्चे जिंदगी भर जॉब के लिए तरसते रहते हैं, 10,000 से लेकर 40,000 जॉब तक में, 30 साल नौकरी करने के बाद भी 50,000 से ऊपर नहीं बढ़ सकते, जो कि हमारे देश की सच्चाई है। दूसरा, वैल्यू एजुकेशन बढ़ाना है, इनकलकेट करना है हमारे बच्चों में। तो एक बच्चा माँ से पूछता है, माँ कचरा वाला आया है, कचरा दे दो। हमें ये बताना है कि वो कचरा वाला नहीं है, वो सफाई कर्मचारी है, ये बहुत क्लियर है। जब से मैंने ये बात जाना है, मैंने तुरंत अपनी बेटी को मैंने ये मैसेज दिया कि बेटा वो कचरा वाला नहीं है, वो सफाई कर्मचारी है। आज से तो मम्मी को ये बोलोगे, मम्मी सफाई कर्मचारी आया है, कचरा देना है। इसको कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन में सब चीज पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव परसेप्शन, पॉजिटिव बिलीव्स, पॉजिटिव थॉट्स, ये इनकलकेट बचपन से करना होगा, नर्सरी से करना होगा। ये चीज हमारे देश में आज भी नहीं है, कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं है शिक्षा व्यवस्था में। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके सलाहकार ने कहा है पैराडाइम शिफ्ट इन टीचिंग ट्रेनिंग। क्या होता है पैराडाइम शिफ्ट? पैराडाइम शिफ्ट इज हेलीकॉप्टर व्यू। आप जब हेलीकॉप्टर में बैठ के आप शहर को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि शहर कैसा दिखता है। उसी तरह से जब हेलीकॉप्टर में बैठ के, मतलब ऊंचाई पर बैठ के, एक स्थान में बैठकर शिक्षा को देखेंगे कि शिक्षा आपका कैसा है, शिक्षा को कैसे मेजर किया जाएगा। हर चीज का अल्टीमेट गोल क्या है? करियर, आजीविका, कि आपको कैसा आजीविका मिलता है। हमारे देश में क्या हालत है सर, सिर्फ 20% लोगों के पास जॉब है प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, और 80% लोग लेस देन 100 रुपीज नहीं कमा पा रहे हैं आज 75 साल से। ये स्थिति हमारे देश की, आगे आप बेहतर जानते हैं। देन क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगा? परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम, जैसा मैंने कहा गवर्नमेंट स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना है, तो शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ 2 ही भाग में बांटना है, हार्ड स्किल
सब्जेक्ट नॉलेज, डोमेन नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज और सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल्स। और हार्ड स्किल में सिर्फ 5 सब्जेक्ट, यहाँ तो हमारे स्कूल से सारे बड़े बड़े स्कूल ने 15-15 सब्जेक्ट दे दिया है बच्चों को, कैसे पढ़ाएंगे? सिर्फ आपके पास 6 महीने हैं पूरे साल में पढ़ाने के लिए, गर्मी छुट्टी से पहले आपके पास 90 डेज और गर्मी छुट्टी के बाद 90 डेज, 180 डेज आपको मिलता है, कैसे पढ़ा लोगे? मतलब सिर्फ पैसा ठगने का बुद्धि लगा रहे हैं वो लोग और कुछ नहीं। मैथ डेली होना चाहिए, साइंस डेली होना चाहिए, SST डेली होनी चाहिए, कंप्यूटर डेली होनी चाहिए, और हमारा मदर टंग, हमारा नेशनल लैंग्वेज, हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज 2-2 डेज, 6 डेज होता है मंडे टू सैटरडे, 2-2 डेज होना चाहिए। और हमारा सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल को हम 2 भागों में हम बांट रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज ये रहा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर का मतलब होता है जहां आप अपने टीममेट के साथ, फ्रेंड के साथ आप कोई एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, गेम करते हो, क्या है सारा स्पोर्ट्स आइटम सब इसके अंदर आएगा जहां पे आप मिलके खेलोगे। और एक्स्ट्रा करिकुलर में जो एक्चुअल लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल पार्ट है, जहां आप अकेले परफॉर्म करोगे, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट हो गया, इंटरव्यू वाला पार्ट हो गया, आप डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, जैम में, एक्सटेम्पोर में, इम्प्रॉम्प्टू में, है ना, सेमिनार में भाग ले रहे हैं, आप सिंपोजियम में जा रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ये अकेला परफॉर्म करना वो आता है एक्स्ट्रा करिकुलर। अब को करिकुलर जहां टीम के साथ, फ्रेंड के साथ मिलकर कोई चीज खेलते हैं, जहां दोनों के टीम वर्क है, सारा स्पोर्ट्स गेम, ये कंपलसरी करना होगा, हर स्कूल में ये कंपलसरी करना होगा। और ये जो पढ़ाने का जो पीरियड है, 30-30 मिनट्स का पीरियड लेते हैं लोग स्कूल में, क्या पढ़ाएंगे 30 मिनट्स में, क्या बच्चों से वो पूछेंगे, क्या बच्चों को डेवलप करेंगे? एक पीरियड, पहला पीरियड 1.5 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि वो तो अटेंडेंस लेने में ही आधा घंटा निकाल देते हैं टीचर लोग, टाइम पास करते हैं मैक्सिमम स्कूल में। पहला पीरियड 1.5 घंटे का होना चाहिए, दूसरा पीरियड 1.25 घंटे का होना चाहिए, फिर इसी तरह से 1.5 घंटे का पीरियड, बीच में लंच होगा, फिर 1.5 घंटे का, आधा घंटे का लंच दीजिए, फिर 1.5 घंटे का पीरियड, 1.25 घंटे का पीरियड, इस तरह से सिर्फ 5 पीरियड ही होना चाहिए टोटल, जो कि ऑलरेडी 5 घंटा 6 घंटा हो जाएगा। 6 आवर्स स्कूल के लिए मोर देन सफिशियंट है, सही मायने में अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो, जिसमें कि सॉफ्ट स्किल पार्ट जो है, लाइफ स्किल पार्ट, एवरी डे शुड बी 1 पीरियड ऑफ 190 मिनट्स का एक पीरियड होना चाहिए लास्ट में, किसी भी कीमत पे। और फिर देखिए कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम टर्न लेता है और हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था कैसे बढ़ता है, और ये सिर्फ आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की फुल मेजोरिटी है सर आपके पास, आपको कोई टॉपल डाउन नहीं कर सकता, वेरी सिंपल, आपकी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता, और आपकी नीयत साफ है, आपका करेक्टर स्ट्रांग है, आप सम्राट हैं हमारे देश के, आप ये सब काम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। और ये 6 सजेशंस आपको मैं एवरी ऑल्टरनेट डे, ये 6 वीडियोस मेरी उतनी हैसियत नहीं, ना औकात है कि मैं आप तक पहुंच सकूं, लेकिन अगर हमारा कोई भी जनता जो देखेगा या कोई भी स्टूडेंट, अगर किसी की पहुंच आप तक है तो वो इस वीडियो को जरूर पहुंचाने की कोशिश करे आप तक, या अगर आप खुद देख लेते हैं किसी माध्यम से तो ये मेरा सौभाग्य हो गया। अगर आपको लगा कि मेरा लॉजिक सही है, अगर मैंने सही बोला है, तो आप प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें सर, क्योंकि 25 साल का ये मेरा रिसर्च है जो मैं 6 वीडियो में 6 सजेशंस आपको देने जा रहा हूँ, और ये इसकी वजह से हमारा नेशन स्ट्रांग नेशन होगा, जो कि आप ऑलरेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें से अगर एक सजेशन भी इम्प्लीमेंट होता है उसमें भी आपको महसूस होगा कि आप और भी अच्छा कर सकते हैं आने वाले दिनों में। सो थैंक यू सो मच, अगर लॉजिक पसंद आए तो आप जरूर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। अब मैं देश की जनता से, जो भी इस वीडियो को देखेगी, स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल, हाउसवाइफ, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, कि अगर आपको लॉजिक सही लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करना, मैंने सब्सक्रिप्शन का बता दिया कि क्या फ़ायदा है, और फिर सो दैट कि आपको 6 वीडियो प्लस 70+ वीडियो ऑलरेडी है मेरा यूट्यूब चैनल पर, उसको भी देखना, समझना, लर्निंग लो, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।